और आज दे खुतबा जुमातुल मुबारक दे अंदर जिस मौजूए सुखन ते चंद गुजारिशात मैं तुहाडे सामने करनियां चाहना वो है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस ते मामले अंदर सानू गैरतमंद होना चाहिए। असी अपने खुतबे का आगाज़ भी दुआ तो ही करने और असी अपने खुतबे का इख्तिताम भी इंशाअल्लाह दुआ तो ही करांगे। कबूलीयत दियां कड़ियां ने सिदके दिल दुआ करो कि मालिका जिस तरह तेरे घर अंदर असी बैठे हाँ सानू सारिआं नूं कल क्यामत वाले दिन अपनी जन्नतुल फिरदौस अंदर भी इसे तरह ही कठिया फरमा। ऐ मेरे अल्लाह जितने मुसलमान इस पिंड अंदर बीमार ने अल्लाह अपनी रहमत दे नाल तमाम बीमारां नूं शिफाए कामिला आजला अता फरमा और जिन्हां दे वालदैन फौत हो गए ने अल्लाह उन्हां दे वालदैन दीआं कबरां नूं जन्नत दे बगीचे और जन्नत दे बाग बना। हज़राते जी वकार सानू हदीसे मुस्तफा दे मामले अंदर गैरत दा मुजहरा करना चाहिए। बतौरे एक मुसलमान होए या कोई गैर मुसलम होए हर बंदा अपने घर के मामले के अंदर गैरतमंद हुंदा है। किसी की बहू बेटी का मसला आ जाए वह बंदा अपनी गैरत का मुजहरा करता है। किसी के घर का कोई मसला आ जाए तो हर बंदा अपने घर के हवाले ना गैरत का मुजहरा करता है। तो भाई जान क्या सिर्फ ए दो नंबरियां और धोखेबाजियां दीन वास्ते ही बचियां ने? इधर से आवाज़ आई उधर को चली गई फलाने यूँ कहा फलाने यूँ कहा। कचियां पकियां रोटियां दे असी कायल नहीं। लियुहलिका मन हालका अन बईजीना व यहिया मन हैया अन बईजीना हा तू बुरहा न कुम इन कुन तुम सादिकीन। अगर तुसी सच्चे जे तो दलील पेश करो। दलील जिस बंदे को कुरानो हदीस दी होएगी आमन्ना व सद्दकना असी उहदी गल नूं फौरन तस्लीम करांगे। अगर असी कहने बिल्कुल जी असी नबी पाक दी हदीस दे बारे गैरतमंद आ साडे दिल च नबी पाक दी हदीस दा प्यार है तो भाई जान अगर चलो मन लैने तुहाडे दिलो दिमाग अंदर तुहाडे ज़हन अंदर नबी पाक दा भी प्यार है नबी पाक दी हदीस दा भी प्यार है तो मेरे प्यारे भाईओ फिर आ पीरी मरीदी और बैतां दा सिलसिला की शुरू किया गया। किसी नूं पुछो आंदा जी मैं फलान की बैत हाँ किसी पुछो आंदा मैं फलान की बैत हाँ कोई आंदा मैं फलान की बैत हाँ। अगर तुहाडे दिल अंदर नबी पाक की गैरत है नबी पाक की जात की गैरत है फिर आ पीरी मरीदी ते बैतां दा की चक्कर है? तो मैं तुहानू दावत फिक्र देना चाहना मुसलमानों आओ कुरान वाले पासे आ जाओ तो मुस्तफा अल इस्लाम जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस वाल आ जाओ। और साडा मसलक यही दावत दिंदा है असी तमाम अंबिया अलैहि मा असलाम नूं मनने आ उन्हां दा अदब उन्हां दा एहतराम करने आ हत्ता कि असी हज़रत मूसा अलैहि सलाम नूं भी अल्लाह दा नबी मनदे आ लेकिन असी मूसवी नहीं कहलवांदे। असी हज़रत ईसा अलैहि सलाम नूं अल्लाह दा पैगंबर मनदे आ अल्लाह दा रसूल मनदे आ लेकिन असी अपने आप नूं ईसाई कहलवांदे नहीं कहलवांदे। असी हज़रत पीर अब्दुल कादर जेलानी रहीमहुल्लाह नूं अल्लाह दा वली मानने आ लेकिन असी अपने आप नूं कादरी कहलवांदे नहीं कहलवांदे। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहीमहुल्लाह अल्लाह दे बंदे ने अल्लाह दे वली ने नेक बंदे ने लेकिन असी अपने आप नूं उन्हां दी नेकी दे पिछे लग के असी अपने आप नूं हनफी कहलवांदे नहीं। इमामे शाफी नूं मानदे आ लेकिन शाफी नहीं कहलवांदे। इमामे मालिक नूं मानदे आ लेकिन मालिकी नहीं कहलवांदे। मेरे मुसलमान भाइयो असी हज़रत इमामे अहमद बिन हंबर रहमतुल्लाह अलैह नूं भी मानदे आ लेकिन असी हंबली कहलवांदे नहीं कहलवांदे। वजह की है साडी रूह दे इमाम साडी फरा दा इमाम साडे सुबह दा इमाम साडे शाम दे इमाम साडी गजा दे इमाम साडे लैलो नहार दे इमाम उन्हां दा नामे नामी इसमें ग्रामी जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सानू कोई मसला भाईजान पेश आ जाए नबी पाक दी जात तो बढ़ के सानू किसे दी कोई जात करीब नहीं। वो ही साडे कुल कायनात दे इमाम ने। तो सुनना जरा अल्लाह दी पाक कलाम मैं तुहाडे सामने नबी पाक दी हदीस दे बारे गैरत दा मुजहरा करन दे हवाले नाल चंद बातां अर्ज करना अल्लाह दे हुजूर दुआ है कि थोड़े जे वक्त दे अंदर अल्लाह मैनूं कुरान व हदीस चो बयान करन दी तौफीक अता करे ते अल्लाह सानू सारयां नूं सुन सुना के मेरे समेत अल्लाह सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। सुनना जरा अल्लाह दी पाक कलाम इलाहुल आलमीन ने कुरान मबीन अंदर इसे बात का ऐलान फरमाया
अल्लाह फरमा रहे ने मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां लोगों नूं इस बात का ऐलान कीजिए। अल्लाह फरमांदे ने फला व रब्बी का ला युमिनून हत्ता युहक्किमो कफीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा कज़ैत व युसल्लिमो तस्लीमा। अल्लाह फरमांदे ने मुसलमानों जो मेरा पैगंबर फैसला कर दे अल्लाह दा रसूल कोई बात कह दे ते नबी पाक दे फैसले नू ना मनन दे विच अपनी सीधा ना करया करो नबी पाक दा फैसला मनिया करो नबी पाक दी बात नू सरे तस्लीमे खम करया करो ना। आओ ना मैं कुराने पाक दा दूसरा मुकाम तुहाडे सामने पढ़ना चाहना। अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनो ला तरफाउ असवातकुम फौक सौतिन नबी वला तजहरु लहु बिल कौलि कजहरि बाज़िकुम लिबासिन अंतह बता मालुकुम वअंतुम ला तशऊरून। अल्लाह फरमांदे ने ईमान वाले वो अपनी आवाज़ा नबी की आवाज़ तो बुलंद ना करया करो अपने अमाल नू नबी दे अमाला तो वजह तो अपने अमल ज़ाया ना कर लीजिए। ऐ ईमान वाले वो अपने ईमान की फिक्र करो अपने माल की फिक्र करो ईमान की फिक्र करो। मुसलमानों मैं कुरान पाक का तीसरा मुकाम पढ़ना चाहना। अल्लाह फरमांदे ने वा मा कान अली मोमिनी वाला मोमिनतिन इज़ा कज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरा अय्यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यासिल्लाह व रसूलहु फकद ज़ल्ल ज़लालम मुबीना। अल्लाह फरमांदे ने मुसलमानों जो मेरा नबी फैसला कर ले जो मेरे नबी हुक्म फरमा देन नबी पाक दा फैसला हक है नबी पाक दा हुक्म भी हक है। जो जो नबी पाक अलैहि सलाम अपनी जुबानी नबूवत चो गल कह देन नबी पाक अलैहि सलाम दी गल नू मनया करो नबी पाक दे हुक्मां नू तस्लीम करया करो। आओ ना मैं तुहाडे सामने सही उल बुखारी दे अंदरों पहली हदीस बयान करना चाहना। हज़रत इमाम बुखारी रहिमाहुल्लाहुल बारी ने इस रवायत नू सही उल बुखारी अंदर नकल फरमाया है। जरा सुन ते दरूद पढ़ो। हाँ जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने नबी पाक दा सिया भी आया है ते नबी पाक दा फुफीजाद भाई भी लगता है इहदा नाम है सैयदना जुबैर रजी अल्लाह तआला नो। ऐ नबी पाक दे कोल आए ने ते आ करके कहन लगे अल्लाह दे रसूल मेरी जिहड़ी पैली है ना मेरी जिहड़ी खेत है वह एक अंसारी बंदे दा उहदे नाल दा बिल्कुल खेत है ते अल्लाह दे रसूल मेरा ते उस बंदे दा पानी दा रौला पै गया है पानी दे अंदर इख्तलाफ पै गया है। अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी साडा इख्तलाफ दूर कीजिए साडे दरम्यान फैसला करो ना। मैं कहना वा पहलों पानी मैं लाउणा वा अंसारी जिहड़ा बंदा है ओह कहिंदा पानी पहलों मैं लगाना है। अल्लाह दे रसूल साडे दरम्यान ते फैसला कीजिए ना। नबी पाक फरमांदे ने ऐ ज़ुबैर पहलों पानी तू ला लिया कर ते फिर अपने वास्ते पानी छड़ दिया कर। ऐ नबी पाक अलैहि सलाम ने इन्हां दे दरम्यान फैसला कर दिता है ते जदों यह फैसला पहुंचा ना दूसरे बंदे दे कोल और दूसरे बंदे ने नबी पाक दा फैसला नहीं मनिया नबी पाक दा हुक्म नहीं मनिया बल्कि उल्टा कहन लगा ऐ नबी पाक ने ते अपने रिश्तेदार दी सैड लईए ऐ नबी पाक ने ते अपने सहाबी दी सैड लईए। ते जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं खबर पहुंची है मुसलमानों नबी पाक दे चेहरे दा रंग मुतगैर हो गया नबी पाक नूं गुस्सा आ गया। मैं फैसला कीता है ये कहिंदा कि नबी पाक ने अपने रिश्तेदार दी सैड लईए इधरों नबी पाक
पाक नू ना पसंद अमल आया है। उधरों अल्लाह पाक फरमाते ने मेरे जबरील जी जी रब्बे जलील की हुक्म है, ऐ जबरील कुरान लैके तो मेरे नबी को चला जाना। मेरे पैगंबर दे सीने दे कलबे अतर ते कुरान नाजल अल्लाह पाक ने फरमा दिता है। अल्लाह फरमाते ने फला व रब्बी का ला युमिनून, जेड़ा बंदा नबी पाक दा फैसला नहीं मानदा, नबी पाक दा हुक्म नहीं मानदा, ऐ नबी मैनू तेरे रब होण दी कसम है मैं उस बंदे दा सारा ईमान बर्बाद करके रख देना वा, मैं उहदा सारा ईमान उहदे नेक अमाल बर्बाद हो जांदे ने। जेड़ा बंदा नबी पाक दा फैसला नहीं मानदा ते जेड़ा बंदा नबी पाक दा हुक्म नहीं मानदा, भाई जान अकल अंदर नबी पाक दा फैसला आ जाए तद भी मनना है, तो समझ ते अकल अंदर गल ना आए तो फिर भी मनना है, क्योंकि असी उस पैगंबर का कलमा पढ़िया, वो साढ़े रहनुमा ने, असी उन्होंने उम्मती हाँ, असी उन्होंने मुख्तदी हाँ, असी साढ़े पेशवा ने। आउना रब दे कुरान अंदर अल्लाह पाक फरमांदे ने फला व रब्बी का ला युमिनून हत्ता यो हकीमो का फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदु फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा कज़ैत व युसल्लिमु तस्लीमा। ए लोगो नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम दे फैसले नू मनिया करो ना, इस तरह गल नहीं समझ आई। लो मैं तुहाडे सामने ना हुण बुखारी पाक दा एक होर वाकया बयान करना चाहना, जिस दी सबब अंदर जिहदे शाने नज़ूल दी वजह तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर आयत नाज़िल फरमाई है, ते नबी पाक अलैहि सलाम दे सामने नबी पाक अलैहि सलाम दा मूँह बोलिया बेटा की नाम है हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नबी पाक दे मुँह बोले बेटे ने मुतबन्ना बेटा है। तो नबी पाक ने अपने मुतबन्ना बेटे का रिश्ता हज़रत ज़ैनब दे नाल कर दिता है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत ज़ैनब कुरैशी खानदान है, हाशमी खानदान है, तो मालदार खतून है, अमीर घर के नाल तलक है, लेकिन हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां ते गुलामी वाला दब्बा भी लगा है, है भी इतने अमीर नहीं है, भी गरीब ने, को बहुता हुसन भी नहीं। इधर हज़रत ज़ैनब को माल भी है, ख़ानदान भी है, ऊँचा हसब नसब भी है, इधर हज़रत ज़ैद को ख़ानदान भी नहीं, माल भी नहीं, गरीब बंदे ने। तो नबी पाक ने हज़रत ज़ैद का हज़रत ज़ैनब दे नाल कर दिता है, तो जो इन्हों की शादी होंगी है तो हज़रत ज़ैनब ने सनका नापसंद किया है। हज़रत ज़ैनब कह लगी मैं नहीं पसंद करती कि मेरा निकाह हज़रत ज़ैद नाल हो जाए, ते जिदो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू खबर पहुंची है अल्लाह दे रसूल ज़ैनब ने सनका नू दिलों कबूल नहीं जे कीता, ज़ैनब दे रिश्ते ते मुतमईन नहीं, ज़ैनब दे रिश्ता कबूल करन वास्ते तैयार नहीं। हज़रत ज़ैनब ने जिदो नका नू नापसंद किया है अल्लाह ने फौरी मुस्तफा अलैहि सलाम दे सीने ते कुरान नाजल कर दिता है। अल्लाह फरमांदे ने फला व रब्बी का ला युमिनू, ऐ नबी मैनू तेरे रब होण दी कसम है जिहड़ा बंदा तेरा हुक्म नहीं मानदा, फैसला नहीं मानदा, मैनू उस बंदे दे ईमान दी लोड़, मैनू उस बंदे दे ईमान दी लोड़ नहीं, मैनू उहदे नेक अमाल दी लोड़ नहीं, ऐ नबी तेरे पिछे चलना दे तेरे फैसले नू कबूल करना दे अंदर ही कामयाबी है, फैसला मनन दे अंदर ही कामरानी है। तां ही ते मालिक कायनात फरमांदे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनो ला तरफ़ौ अस्वातकुम फौका सौति नबी वला तज हरूलो बिल कौलिक जहरी बाजी कुम लिबास अंत बता मालुकुम व अंतुम ला तशोरो। ईमान वालो अपनी आवाज़ा नू पैगंबर की आवाज़ तो बुलंद ना करो, अपनिया अदावां नू अपनिया ख्वाहिशात नू पैगंबर अलैहि सलाम की शरीयत के अंदर रह के गुजारो, तो जिस बंदे ने अपनी आवाज़ तो अपनी ख्वाहिशात नू दीने इस्लाम तो गांह वधाउण दी कोशिश कीती है, शरीयत इस्लामिया दीआं हदूद नू पमाल करन दी कोशिश करेगा, अल्लाह फरमांदे ने मैं उहदी जिंदगी दे सारे अमाल बर्बाद कर देवांगा।
जिंदगी दे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। तो अगली गल अल्लाह ने पता की कही है, अल्लाह फरमाते ने मैं तुहाडे अमल जाया कर दांगा, वअंतुम ला तशऊरून, ते तुहानू शऊर तक नहीं होएगा, तुहानू पता भी नहीं होएगा, तुहानू समझ भी नहीं होएगी, तुहाडे सारे नेक अमाल बर्बाद हो जाएंगे। इस वास्ते भाई जान ऐ ना क्या करो मौलवी जी मुंडे का विआह कहड़ा रोज़ रोज़ हुंदा है, कंजरियां नचा लिया तो कि गल है, खुसरे मंगा ले तो कि गल है, ढोल ढमका कर लिया तो कि गल है, फजूल खर्चियां कर लिया तो कि गल ने। मौलवी जी खुशी का मौका है, इतना भी दीन खुशक नहीं, इतनिया भी दीन अंदर सख्तियां नहीं, भाई जान है फजूल खर्चिया ने। इतना चीज़ों तो नबी पाक ने मना किया है, वह चाहे अहले हदीस है, चाहे बरेलवी है, चाहे देवबंदी है, कोई मेरा वीर मुसलमान भरा मेरी बात सुनता है तो समझे, सारिया रसूमात नबी पाक मिटाण वास्ते आए ने, नबी पाक इन्हां चीज़ों नूं खत्म करन वास्ते आए ने, ते असीं इन्हां नूं ईमान समझ के अपनी शादियां दे अंदर पूरा करने आ। बस यार अपनी ख्वाहिशात नूं, अपने जज्बात नूं, अपने मामलात नूं, अपनियां तजारतात नूं, अपने हर मामले नूं रसूलुल्लाह सल्लम दी शरीयत दे ताबे करन दी कोशिश करो। अल्लाह सानू अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। और ताई ते मालिके कनाद फरमांदे ने, वा मा कान लिल मोमिनिन वला मोमिनातिन इज़ा कज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरा। आओ ना मुसलमानो, मैं तुहाडे सामने एक और वाकया बयान करना चाहना, तवज्जो मेरी तरफ रहे। नबी पाक दे सहाबी ने, इन्हां दा नाम है सैयदना जुलैबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बड़े प्यारे नबी पाक दे सहाबी ने। एक दिन नबी पाक अलैहि सलाम को बैठे ने, तो कहन लगे, सोहणिया दिल करदा है मेरा विआह हो जाए, शादी करन नूं दिल करदा है, निकाह करन नूं दिल करदा है। नबी पाक फरमांदे ने, अच्छा चल इस तरह कर, मदीने दे ना ओ फलां घर दे अंदर चला जा, फलां बाजार दे अंदर फलां घर ही हो, उन्हां दा जाके दरवाज़ा खटखटा के आखी, मैनू रसूलुल्लाह सल्लम ने भेजिया, अपनी बेटी का रिश्ता मेरे नाल कर दिओ। हज़रत जुलैबीब चले गए, तो हज़रत जुलैबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जाके दरवाज़ा खटखटाया, अंदरों उस बच्ची का बाप बाहर आया, हाँ भई कौन है, किधर आया है? हज़रत जुलैबीब कहन लगे, मैं आप नहीं आया, मैनू नबी पाक अलैहि सलाम ने भेजे आए। तो नबी पाक ने की आख्या है? आंदा है, नबी पाक अलैहि सलाम आंदे ने, अपनी बेटी का रिश्ता मेरे ना कर दियो। हुण वह बंदा इस सहाबी वल वेखदा है, ना तो कोई हुसन जमाल है, ना मालो दौलत है, ना हसब नसब है, तो असी अपनी बेटी का रिश्ता तेरे ना कर दिए, चलो मैं मशवरा कर लेना। ये दोनों मियाँ बीवी अंदर बह के मशवरा करते ने, बंदा बाहर दरवाजे ते खड़ा है, तो बीवी ना मशवरा किया है, ना माँ मन दिए, ना बाप मन दाए भी असी रिश्ता नहीं जे करना। इधरों बेटी दे कान च गल पै गई है भी नबी पाक दा कासद आया है, नबी पाक दा बंदा आया है, तो आके आंदा मैनू नबी पाक ने भेजे आए, तो जो वालदैन कहन लगे ने असी अपनी बेटी का रिश्ता तेरे नाल नहीं जे करना, तो अंदरों बेटी बोली है, ऐ मेरी अम्मा ते ऐ मेरे अब्बा जी, आने वाले वाल ना वेखो, कलाउन वाले वाल वेखो, आने वाले वाल ना वेखो, भेजन वाले वाल वेखो के भेजा किन्ने। ये नबी पाक अलैहि सलाम ने भेजा है, ते मैनू अपने अल्लाह ते पूरा इतमाद ते यकीन है, ला युज़ैन अल्लाह। अब्बा जी तुसीं रिश्ता कर दिओ, साडा अल्लाह सानू कदी भी जाया नहीं करेगा। तो जो बेटी ने हाँ कर दी है, बेटी ने कबूल कर लिया, उधरों मालिके कायनात दे कुरान ने अपनियां आयतां नाजल कर दित्तियां ने। अल्लाह फरमांदे ने, वा मा कान लिल मोमिनिन वला मोमिनातिन इज़ा कज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरा अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यासिल्लाह व रसूलहु फकद ज़ल्ला ज़लालम मुबीना। ए नबी, वह बंदा मोमन नहीं हो सकता, तो बंदा ईमान वाला नहीं हो सकता जिहड़ा बंदा तुहाडा फैसला ना मने, तो जिहड़ा बंदा तुहाडी बात नूं तस्लीम ना करे। तो भाई जान नबी पाक अलैहि सलाम दी जिथे हदीस आ जाए, आमन्ना व सद्दकना, असीं उत्थे ही तस्लीम करने, असीं वह बात ही मानने।
क्योंकि नबी पाक अलैहि सलाम अपनी मर्जी नाल ते नहीं बोलते, आप रब की मर्जी दे नाल बोलते ने। ताई ते मालिक कायनात फरमाते ने वन नजमी जाहवा मा जल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयू। सोना पैगंबर आप नहीं बोलता बल्कि रब की वही दे नाल बोलता है, तो रब की मर्जी दे नाल बोलता है। नबी पाक जो कह देन आप दी जात भी सच्ची है, सोने मुस्तफा की बात भी सच्ची है। सारी कायनात के लोगों दियां बातां गलत हो सकदियां ने, हुण जरा ईमानी तकाजे ना बोल के जवाब दियो। हाँ, नबी पाक की बात अंदर शक भी किया जा सकता नहीं किया जा सकता? वो साढ़े पैगंबर ने, वो साढ़े रहनुमा ने, साढ़े पेशवा ने, असी उन्होंने कलमा पढ़िया है, असी उन्होंने उम्मती हाँ। और आओ ना इमामे कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम एक दस्तरखान ते तशरीफ फरमाने। सही मुस्लिम दी हदीस है, नबी पाक ने एक बंदे नू देखिया, वह बंदा अपने बाएं हाथ दे नाल खाना खा रहा है, खब्बे हाथ दे नाल खाना खा रहा है, राइट हाथ दे नाल खाना खा रहा है। तो नबी पाक अलैहि सलाम फरमाते ने मेरे साथी कुल भी अमीन एक सज्जे हाथ दे नाल खाना खा। हुण इस बंदे ने हदीस नहीं मनी, अब्दुल मनान साहब इस बंदे ने हदीस नहीं मनी, इस बंदे ने नबी पाक का हुक्म नहीं मनिया, इस बंदे ने नबी पाक का फैसला नहीं मनिया। नबी पाक ने की फरमाया? आका फरमाते ने कुल भी अमीन इक, वह बंदे सजे हाथ दे नाल खाना खा। ये बंदा अगो नबी पाक की हदीस मनन की बजाय कहन लगा मेरा सज्जा हाथ काम ही नहीं करता। नबी पाक की हदीस नू मजाक किया है, नबी पाक के फैसले नू मजाक किया है। आसमान तो अल्लाह की पकड़ आ गई है, आसमान तो अल्लाह दियाँ गिरफ्तार आ गई ने। असहाबा बयान करते ने जो नबी पाक फरमाते ने अल्लाह करे तेरा सज्जा हाथ काम ही ना करे, सारी जिंदगी अपना बंदा फिर वो दाया हाथ सजे मूँह दाया हाथ अपना मूँह तक लैके नहीं जा सकया, सारी जिंदगी अपने सज्जे हाथ नूं अपने मुँह तक नहीं लैके जा सकिया। सजा दिती अल्लाह पाक ने दुनिया ते कि जिन्हें नबी पाक की हदीस नूं मजाक किया, नबी पाक के फैसले नूं मजाक किया है, अल्लाह पाक ने दुनिया ते जलीलो रसवा कर दिता है। भाई जान, नबी पाक के फैसले मनो, नबी पाक की हदीस मनो। और ताई ते इमामे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मगफर रजी अल्लाह तआला नो नबी पाक अलैहि सलाम दे सहाबी ने, ते इन्हां दा छोटा जिहा भतीजा इन्हां दी झोली दे अंदर बैठा, इन्हां दी गोद दे अंदर बैठा है। उस बच्चे दे ना छोटे छोटे कैंकर बजरी कह लो तुसीं, छोटे छोटे पत्थर कैंकर बजरी उस बंदे ने उस बच्चे ने हाथ च पकड़ी है, अब्दुल्ला बिन मगफल दी गोद अंदर बैठा है, इस तरह अपनी उंगल दे नाल मारदा है, इस तरह उंगल तरह के ना वो बजरी इस तरह मारदा है। ते हज़रत अब्दुल्ला बिन मुगफल कहन लगे ना मेरे भतीजे इस तरह ना कर, नबी पाक ने ना हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनहा, नबी पाक ने इस तरह करन तो मना किया है, ना ते इस तरह करके को बंदा शिकार ही कर सकता है, ना इस तरह करके बंदा किसी दुश्मन नु नुकसान दे सकता है। जो तू इस तरह करके पत्थर फेंकेगा किसी की अख निकल जाएगी, किसी का दंद टुट जाएगा। नबी पाक अलैहि सलाम ने इस तरह करन तो मना किया है, इन्हों का भतीजा को बोल के कहन लगा नबी पाक ने तो मना किया ही है, तो मैं इस तरह ही करना है, तो मैं इस तरह कर दिया रहना है। इस सहाबी रसूल का ईमान जोश अंदर आ गया, गैरत जोश अंदर आ गई है, कहन लगे मैं तेनों नबी पाक की हदीस दसदा पिया, तो तू अगों कह रहा मैं नहीं करना। ला उकली मुका बदा जा, दफा हो जा मेरे घर चो निकल जा, मैं सारी जिंदगी तेरे ना कलाम तक नहीं करांगा, सारी जिंदगी मैं तेरे ना कलाम नहीं करांगा, मैं तेनों बुलावांगा नहीं। वजह की है तू नबी पाक की हदीस नू मजाक किया है, तू नबी पाक दे फैसले नू मजाक किया है। कुरबान जाइए सहाबा इकराम तो, कुरबान जाइए सहाबा इकराम दियाँ हदीस के मामले अंदर गैरत तो। फिर मुहद्दिसीन बयान करते ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मुगफल की सारी जिंदगी लंघ गई है, उन्होंने फिर अपनी भतीजे दे नाल सारी जिंदगी कलाम नहीं किया। इनू कहिंदे जे नबी पाक ना प्यार, इनू आंदे जे हदीस मुस्तफा दी गैरत, इनू आंदे जे ईमान दा तकाजा ते इस्लाम दा तकाजा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने कि नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया
कि अपनिया औरतों नू मस्जिद अंदर आने तो मना ना करया करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने अपने बेटे बिलाल नू हदीस बयान की थी है भी नबी पाक ने फरमाया अपनिया औरतों नू मस्जिद अंदर आने तो मना ना करया करो। तो इन्हों का बेटा जो बिलाल सी ना वह कह लगे अल्लाह की कसम मैं जरूर औरतों नू मना करांगा। हुण बाप की कह रहा नबी पाक ने फरमाया मना ना करो ते पुत्र की कह रहा मैं जरूर मना करांगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर गुस्से दे अंदर आ गए चेहरा मुतगैर हो गया बुरा भला अपने पुत्र नू कह दिता फरमान लगे तू मेरे ना चंगी नहीं की मैं तेनू नबी पाक दी हदीस दसना वा तू अगो अपना ख्याल पेश करना। हज़रत ज़ीवकारो सहाबा ते अपने पुत्रां नू डांट रहा करते डांट डबट करया करते तानू नबी पाक दी हदीस दसी दीए तो तुसीं अगो कह रहे जी असीं नहीं मनना तू कौन ना नहीं मनन वाला नबी पाक दी ज़ात भी सच्ची है ते सोहणे मुस्तफा दी बात भी सच्ची है जो नबी पाक फरमा दे हक और सच है ताई ते मालके कैनात फरमांदे ने फला व रब्बी का ला युमिनून। ऐ मेरा नबी मैनू तेरे रब होण दी कसम है जड़ा बंदा मेरी तेरे फैसले नू ना मनेगा तेरे हुक्म नू ना मनेगा अल्लाह उहदा ईमान भी बर्बाद कर देगा अल्लाह उहदे नेक अमाल भी बर्बाद कर देगा। हुण अगर ते चाहते जी ना अल्लाह साडा ईमान भी बचाए तो साडे नेक अमाल भी बचाए भाई जान जिथे नबी पाक अलैहि सलाम की हदीस आ जाए जिथे मुस्तफा अलैहि सलाम का हुक्म आ जाए उते सरे तस्लीमे खम करना है उते फौरन आमन्ना व सदकना कहना है क्योंकि नबी पाक अलैहि सलाम की जबान च ओ ही निकलता है जो अल्लाह पाक कढ़वांदे ने तां ही ते असीं कहिंदे आ सोने नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। सोने नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं ताइयों एहो जिहा जग विच लभदा ही नहीं। ऐ मुस्तफा अलैहि सलाम ने जिन्हां दे बारे मालके कनात फरमा रहे ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। सोणिया असीं तैनूं सारे जाण वास्ते रहमत बना के भेजे। नबी पाक ने फरमाया सही बुखारी की हदीस है कि मस्जिद के अंदर गुमशुदा चीज़ का नबी पाक ने ऐलान करवाने तो मना किया। साढ़े पिंडा थावां ते नहीं ख्याल करते जे किसी की बकरी गवाची है तो मस्जिद आके ऐलान करवाउण डिया आ फलाने की फलाने रंग की बकरी गवाची है तो किसी ने वेखी हो तो घर पहुँचा दियो। नबी पाक ने मना किया है सख्ती के नाल भी मस्जिद के अंदर गुमशुदा चीज़ का ऐलान ना करवाया जाए। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला नू फरमाते ने कि साढ़े जमाने के अंदर ना मस्जिद के अंदर एक बंदे ने गुमशुदा चीज़ का ऐलान करवा दिता तो सहाबा बयान करते हैं जो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने सुनिया तो गुस्से फता गई यार वजह अब्दुल्ला हज़रत अब्दुल्ला के चेहरे का रंग मुतगैर हो गया फौरन मस्जिद के अंदर आए उस बंदे की इतनी डांट डबट की है इतनी की है हता के सहाबा कह लगे अब्दुल्ला अज तक नहीं तेनों असी इतने गुस्से अंदर देखिया इतने जलाल अंदर देखिया की वजह है कि तुम इतने गुस्से अंदर आ गए जे। फरमान लगे इन्हें गल ही वह की है जे नबी पाक के फैसले के कम खिलाफ है इन्हें नबी पाक के हुक्म के खिलाफ वर्जी की है। नबी पाक ने मना किया है कि गुमशुदा चीज़ का ऐलान मस्जिद नहीं करवाना ऐ कौन हों के नबी पाक के फैसले ने चैलेंज किया तो मस्जिद अंदर आके गुमशुदा चीज़ का इन्हें ऐलान करवा दिता है भाई जान गुमशुदा चीज़ का नबी पाक ने ऐलान करवाना मस्जिद तो मना किया है। तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने अपनी ईमानी गैरत का मुजहरा किया है ताई ते इन्हां दे बारे रब दा कुरान कह रहा है अल्लाह फरमांदे ने फाइन आमनु बिमिसली मा आमनतुम बिही फकद इहतदौ। ए ईमान वालिओ तां ईमान लैके आओ जिदा सहाबा ईमान लियाए ने ऐ मुसलमानो सहाबा जैसा ईमान लियाओ ते फिर कामयाब होवोगे। आओ ना मैं तुहाडे सामने सही अल बुखारी च हदीस बयान करना चाहना एक बारी आपां सारे रल के ते मुँह मिठा कर लईए जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बंदे दे हाथ दे अंदर सोने दी अंगूठी देखी है
एक सियाबी ने सोने की अंगूठी पाई हुई है। नबी पाक फरमाते ने इधर आ नजर लागे हो, वो सियाबी नबी पाक दे लागे आया, आपने उदे सोने की अंगूठी उतार के फेंक दी है। नबी पाक फरमाते ने सोना अल्लाह पाक ने मेरी उम्मत दे मर्दा ते हराम कर दिता है, सोना नहीं पा सकता। सोना अल्लाह ने औरतों ते हलाल ते मर्दा ते हराम कर दिता है। जो तो सोने की अंगूठी सुट दी ना, सियाबा कहन लगे चल कोई गल नहीं, नबी पाक ने तो यह कहा मर्दा तो हराम है, तू चुके ले जा घर जाके अपनियां औरतों नू दे दे, इस्तेमाल कर लैन गियां जां इहनू फरोख्त करके पैसे अपने इस्तेमाल अंदर लै आ। सियाबी रसूल दा हदीस दे मामले अंदर गैर चैक करना, कहन लगे जिहड़ी शै नू नबी पाक ने सुट दिता है तुसीं आंदे ने चुक लै, मैं तो अंगूठी वाले वेखना गवारा नहीं करता, मैं तो अंगूठी वाले वेखना गवारा नहीं करता, नबी पाक ने मना किया है। एक होर हदीस अंदर मैं पढ़िया है कि इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जदों अल्लाह पाक ने हुक्म नाजल किया है, अल्लाह पाक फरमाते ने मैं अपनी उम्मत दे मर्दां ते सोना हराम कर दिता है, नबी पाक ने भी सोने की अंगूठी पाई सी ते नबी पाक ने ला के फेंक दी है, ते जदों सियाबा ने वेख्या सियाबा ने भी अपनिया अपनिया अंगूठियां फेंक दित्तियां ने। यह नहीं किसी ने आख्या घर जाके अपनिया मावां बहनों नूं दे देंगे, बाजार अंदर फरोख्त करके तो रकम इस्तेमाल अंदर लै आवेंगे। वजह की उन्हां लोगों ने नबी पाक की हदीस मनी है, उन्होंने नबी पाक की गैरत का इजहार किया है, हदीस के मुकाबले के अंदर उन्होंने अपनी क्यास नहीं किया, राय नूं पेश नहीं किया। ताई ते अल्लाह फरमांदे ने फला व रब्बी का ला युमिनून, ए लोगो अगर अपना ईमान ते अमाल बचाना चाहते जे फिर नबी पाक का फैसला मन लवो, फिर नबी पाक का फैसला मनो। नबी पाक दे सहाबी ने हज़रत काब बिन उजरा, गल बड़ी सुनने वाली है, हज़रत काब बिन उजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद के अंदर आए जुमा पढ़ने वास्ते। हज़रत काब बिन उजरा मस्जिद के अंदर जुमा पढ़ने वास्ते आए ने, ते जदों मस्जिद के दरवाजे चो अंदर दाखिल होए ने, ते इन्होंने वेख्या है कि जिहड़ा मस्जिद का खतीब है बह के जुमा पढ़ा रहा है, बैठ के जुमा पढ़ा रहा है, ते सहाबी रसूल मस्जिद के अंदर आए ने। बाज़ मदसीन ने उस बंदे का नाम लिखा है अब्दुल रहमान बिन उम्मे हकम, जिहड़ा जुमा पढ़ा रहा है, खतीब सी। हज़रत काब बिन उजरा ने देखा है कि बह के जुमा पढ़ा रहा है, हज़रत काब बिन उजरा की गैरत जोश अंदर आ गई, हदीस मुस्तफा दी नाल गैरत का मुजहरा किया है, तो हज़रत काब बिन उजरा सामने खड़े हो जाते ने, सारे लोगों को मुखातब करके कहते ने, सारे लोगों मुखातब करके फरमान लगे उनजुरु इला हाज़ल खबीस यख्तुबु कायदा, ऐ मेरे साथियों, ऐ लोगो उस खबीस वाल वेखो जड़ा तानू बैठ के खुतबा दे रहा है। सहाबी रसूल का फतवा मैं हवाले का जिम्मेदार जे, जड़ा खतीब बगैर उजर बगैर मजबूरी तो बैठ के जुमा पढ़ाता है। सहाबी फरमाते ने उन जुरु इला हाज़ल खबीस, वह खबीस तो हो सकता है, खतीब हो सकता नहीं हो सकता। सहाबी रसूल की गैरत जोश अंदर आ गई है, सहाबी रसूल का ईमान जोश अंदर आ गया है। फरमाते ने कि उन जुरु इला हाज़ल खबीस, इस खबीस वाल वेखो तानू बैठ के जुमा पढ़ा रहा है। मेरे प्यारे भाइयो, नबी पाक दी जिथे हदीस आ जाए उते मामे चाचे बाबे ताए माँ प्यो भैणा भाई उते गैरत दा मुजारा करिया करो। मौलवी जी की करिए, बस वो फलाने दा नक नहीं रहिंदा ते फलाने दा मूँह नहीं रहिंदा ते फलाने दियां लत्तां नहीं रहिंदियां, अल्लाह की कसमें हदीस ते अमल करो, अल्लाह तुहानूं दुनिया च वी कामयाब करेगा, अल्लाह कल क्यामत नूं वी कामयाब फरमाएगा। ऐ लोग ने सहाबा इकराम अज उन्हां दे तज़किरे हो रहे ने, और इंशाअल्लाह क्यामत दियां कंधां तक सहाबा दा तज़किरा हुंदा रहेगा। वजह की है, उन्होंने हदीस के मामले अंदर अपनी गैरत का मुजहरा किया है। और आखिरी बात, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी ने हज़रत उमारा बिन रुबैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मस्जिद के अंदर आए ने, जुमा पढ़ने वास्ते आए ने। इन्होंने आके वेख्या कि जिहड़ा मस्जिद का खतीब है, जिहड़ा मस्जिद का इमाम है, जुमा पढ़ा रहा है, तो हाल तो खुतबा के अंदर इस तरह अपने हाथों दोनों हाथों इस तरह करके लहरा रहा है, सज्जा हाथ भी तो खब्बा हाथ दोनों हाथों लहरा लहरा के खुतबा दे रहा है। सहाबी रसूल की गैरत जोश अंदर आ गई, हदीस मुस्तफा की गैरत आ गई है, सहाबी रसूल सामने खड़े हो गए, तो सहाबी रसूल ने बद्दुआ की थी है, कहन लगे कब्बा अल्लाहु हातैन अलयदैन, अल्लाह करे तेरे दोनों हाथ टुट जाए, तू तबाहो बर्बाद हो जाए, तू नबी पाक की हदीस की मुखालफत करना
ਕਰਨਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਬਾ ਅੱਲਾਹੁ ਹਾਤੈਨ ਅਲਯਦੈਨ, ਮੈਂ ਸਿਆਬੀ ਬਦੁਆ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੂੰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਖਤੀਬ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਹਾਬੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਹਦੀਸ ਰੱਖੋ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤਬਾਹ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਬਿਨ ਯਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ। ਆਖਰੀ ਬਾਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਾਬਲੇ ਤਵੱਜੋ ਨੇ। ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਬਿਨ ਯਮਾਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੀ ਮਜੂਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬੋਲੂ ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਲਾ? ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਬਿਨ ਯਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਬਿਨ ਯਮਾਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਗੈਰਤ ਜੋਸ਼ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਦੀਜ਼ੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਗੈਰਤ। ਫੌਰਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆਲਾ ਪਕੜਿਆ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਲਾ ਦੇ ਮਾਰਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਔਰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ 'ਚ ਖਾਣ ਔਰ ਪੀਣ ਤੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਬਿਨ ਯਮਾਨ ਮਰ ਤੇ ਸਕਣਾ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਅੰਦਰ ਨਾ ਖਾ ਸਕਣਾ ਨਾ ਪੀ ਸਕਣਾ। ਇਹ ਜੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਹਦੀਸ ਦੀ ਗੈਰਤ, ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣਾ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਲਦੀਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ 100 ਗਾਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਅਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਸਖਤ ਡਰਾਮੇ ਅਤੇ ਜੁਗਤਾਂ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਅਸੀਂ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਹਾਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਵੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬੇਹਯਾਈ ਔਰ ਬਦਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਹਿਲ ਖਬੀਸ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮਸਲਕ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦੱਬਾ ਨਾ ਲਾਓ, ਮਸਲਕ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਅਸਲਾਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਮਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਦੀਸ ਦਾ ਮੁਤਬੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਈਸਾਈ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਸ਼ਰਕ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਬੈਠਾ। ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣ ਡੇ ਨੇ, ਜੂਆ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਚੱਲਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜਾਨ, ਆਪਣੇ ਮਨੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਸਲਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਕਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ, ਤਮਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਜਾਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ, ਬਰੇਲਵੀ ਦਿਓ, ਦਿਓਬੰਦੀਓ, ਸਾਥੀਓ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਬ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨੋ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਮੰਨੋ, ਹਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਵਕੀਰ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ, ਵਕਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਇਮਾਮ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਅਰਫਾਤ, ਹੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਊਂਟ ਸੀ, ਊਂਟ ਦੀ ਕਹਾਣ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੱਕ ਲਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੂਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣ 'ਤੇ ਮਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਰਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸ਼ਆਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਵਕੀਰ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਸਲਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਜਮੇ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਨ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਅੱਖ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਲੱਤ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਪੈਰ ਕੱਟ, ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਰੋ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਵਕੀਰ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਗੈਰਤ ਜੋਸ਼ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ। ਫਰਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਦੀਸ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਿਆ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਅਸ਼ਆਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਖੂਨ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਮਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਅੱਗੋ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਦੇ ਫਤਵੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਵਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਤਨ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਸਲਾਫ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੰਦਰ ਆਇਮਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਰੀ ਬਾਤ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅਬਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਲਓ ਜੀ ਪੂਰੇ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਾ ਦਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹਦੀ ਸਮਝ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ, ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰਾ ਜੁਮਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਆਇਮਾ ਇਕਰਾਮ ਸਲਫ ਸਾਲਹੀਨ ਇਤਬਾਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਾਬਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਸਿਹਾਬਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵਾਬੀ ਦਿਓਬੰਦੀ ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਸਿਹਾਬਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੈਂ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅਬਾਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅਬਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਸਾਥੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆਏ? ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ
हदीस के मुकाबले के अंदर तो नबी पाक के हुक्म के मुकाबले के अंदर कहते ने जी हज़रत अबू बकर है, कहते ने हज़रत उमर है, कहते ने जेड़ा बंदा हदीस के मुकाबले के अंदर अबू बकर ते उमर के कौल पेश करता है मैनू डर लगता कि उस बंदे ते अल्लाह का अजाब ना नाजल हो जाए। हुण हज़रत अबू बकर ते किहदा ईमान ने भी हज़रत अबू बकर जन्नती है कि नहीं, हर बंदे का ईमान है भाई जान। जे हदीस के मुकाबले अंदर अबू बकर की गल नहीं मनी जा सकती तो हज़रत इमामे अबू हनीफा रहमतुल्ला अलैह ते पीर अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्ला अलैह की गल किस तरह मनी जा सकती है? थोड़ा नहीं पूरा सोचो। जे हदीस के मुकाबले अंदर सहाबा दियां गल्लां नहीं मनिया जा सकदियां तो आम किसी बंदे की गल किस तरह मनी जा सकती है? एक बंदा मुहद्दस आलमे दी दरस दे रहे ने हदीस का, तो बयान आया दरस विच कि नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं कद्दू बहुत ज़्यादा पसंद सी सब्जियां दे अंदरों, तो मतलब से बंदा खड़ा होया कहण लगा लै मैनू तो कोई नहीं पसंद, नबी पाक नूं पसंद होणगे। जिहड़े दरस दे रहे सी ना मुहद्दस फरमाया दफा हो जा मेरी मजलिस चों बाहर निकल जा, मैं तेरे सामने नबी पाक की पसंद नूं रखण दिया तो तू अगों कहण दिया मैनू कोई नहीं पसंद, अज तो बाद तो मेरी मजलिस अंदर नज़र ना आवे। ऐ सहाबा ने, ऐ ताबईन ने, ऐ अल्लाह वाले ने कि जिन्हां दे बारे कुरान कह रहा फाइन आमनु बिमिसलिमा आमन तुम भी वकद अतदो, उन्हां जैसा ईमान लियाओ जिन्हां तुसी कामयाबी हो जाओगे, हदायत याफ्ता हो जाओगे। बिन देखे फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या होगा। बस आखिरी गल ते गल खत्म। बिन देखे फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या होगा। असी नबी पाक नू वेख्या, बोलो असी नबी पाक नू वेख्या? असी नहीं वेख्या, सहाबा ने वेख्या, लेकिन फिर भी असी नबी पाक ते जान कुरबान करन नू तैयार हाँ। बिन देखे फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या होगा। जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में, रुखसार का आलम क्या होगा। एक सिमत अली एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। बिन देखे फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या होगा। खुद खाई है कसम कुरान में, असहाब के दौड़ते घोड़ों की, असहाब का जब ये आलम है सरकार का आलम क्या होगा। अल्लाह दे हुज़ूर दुआ है मैं जो कुछ बयान किया है तुसी सुनया, अल्लाह मेरे समेत सानू सारयां नू हदीसे मुस्तफा ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। जो कुछ लिखिया विच नसीब साढ़े उही मैं लैना उही तू लैना, तेरियां मेरियां आकड़ा किस करे, तू भी टै पैना ते मैं भी टै पैना, सदा आया ते बुकला मार टुरना, ना कुछ तू लैना ना कुछ मैं लैना, जो गुजरेगी सो जान अपनी ते उही तू सहना उही मैं सहना, तेरा मेरा मुसाफरा कादा झगड़ा, ना तू रहना ना मैं रहना। अली